हेलो माय स्वीट फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप सभी फ्रेंड्स बहुत अच्छे हैं, ठीक है, और मैं भी ठीक हूँ। फिर से स्वागत करती हूँ मेरी चैनल पर और मेरी न्यू वीडियो पर। आज की जो वीडियो है वो है क्लीनिंग वीडियो। ये तो आप सभी लोगों को पता चल ही गया, आज का वीडियो है क्लीनिंग का ब्लॉग, क्योंकि आप लोग थंबनेल और टाइटल देखकर ही मालूम चल गया। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी गाइस, छोटा वीडियो है, वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि ये वीडियो आपको लोगों को ज़रूर अच्छा लगेगा। बहुत दिन के बाद फिर से मैं क्लीनिंग वीडियो लेकर हाजिर हो गई हूँ। एक्चुअली हाउसवाइफ का बहुत सारा काम है और सारे काम के ये एक बहुत बड़ा या मेन या इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ये क्लीनिंग पार्ट। और बंगाल में सबसे बड़ा फेस्टिवल होता है दुर्गा पूजा, तो वो पूजा बस कुछ ही दिन में ही आने वाले है, 20-25 दिन ही बाकी है। मैं आज जब वीडियो ये बना रही हूँ तब मालूम नहीं है ये वीडियो कब पब्लिश होगी। जब पब्लिश होगी तब तो और कुछ दिन बाकी रहेगा या फिर पूजा ही हो जाएगा। तो ये पूजा होने से पहले, ये हमारा बंगाल की रियाज है, घर साफ़ सुथरा करना चाहिए। सिर्फ घर नहीं, जो जो है हमारा नया नया कपड़ा लेना है, पुराना जो घर में कपड़ा, जो हमारा अलमारी में इधर उधर कबर्ड में रहता है, उसको साफ़ सुथरा करके रखना है। ये बंगाल का एक ट्रेडिशन है। और दुर्गा जी एक माँ होती है हम लोगों के लिए, माँ और अल्सो आवर लाइक डॉटर्स। जो डॉटर्स होता है वही माँ होती है। तो माँ सालों में एक बार अपने मायके में आती है, बेटी अपने मायके में एक ही बार आती है। तो इसलिए हमारा इधर हर बंगाली नॉन बंगाली सब बहुत साफ़ सुथरा, दिल भी साफ़ सुथरा, बहुत खुशी से माँ को वेलकम करती है, माता दुर्गा जी को। माता दुर्गा जी अकेला नहीं आती है, अकेली नहीं आती है, उसके साथ उसका चार बेटा बेटी भी है, और तो है बहुत सारे एनिमल्स जिसका हम लोग बंगाली में वाहन बोलते हैं। तो वो पूजा बस कुछ दिन ही बाकी है, इसीलिए घर का साफा सुथरा बहुत ही अच्छे तरह से हो रहा है। ऐसे ही तो हफ्ता में एक दिन तो हम लोग करते ही है, लेकिन अभी जो पूजा हो रहा है इसी के कारण हम लोग, मैंने पहले ड्राई कपड़ा से पोंछ लिया, उसके बाद थोड़ा पानी में साबुन पाउडर लेकर पोंछ रही हूँ, क्योंकि और ज़्यादा परिष्कार हो जाए, कोई भी किसी तरह एक बूंद की गंदा नहीं रहे। माँ दुर्गा जी आएगा तो क्या कहेगा। एक्चुअली हम लोग जब देवी को या भगवान को वेलकम करती हूँ ना, सिर्फ दिल को साफ़ा होना नहीं चाहिए, इसके साथ साथ हमारा घर भी साफ़ सुथरा होना चाहिए। क्योंकि हम लोग सोचते हैं अगर घर साफ़ा नहीं होता है, घर में गंदा होता है, तो माता लक्ष्मी नहीं आती है। और हम लोग को माता लक्ष्मी को तो बहुत इज्जत करना चाहिए और करती भी है, क्योंकि माता लक्ष्मी के कारण हमारा घर में खाना आती है, धन संपत्ति ये सब माता लक्ष्मी ले आती है। और माता लक्ष्मी जी होता है माता दुर्गा जी का बेटी, उसके साथ माता सरस्वती भी आते हैं, जो हमारा बच्चों या बड़ों को क्या देता है, बुद्धि देते हैं, शिक्षा देते हैं। तो सभी को वेलकम करना चाहिए। और उसके साथ आते हैं गणेश जी, गणेश जी भी हमारा विघ्न विनाशक होता है। और आते हैं कार्तिक, कार्तिक का भी काम है बहुत सारा, तो मैं तो इतना सारे नहीं जानती हूँ, फिर भी आप लोगों को साथ थोड़ा बहुत शेयर कर लिए। और अभी मैं मेरे घर का काम करते करते एक सहेली का फ़ोन आया था, तो उसके साथ थोड़ा बात करना चाहिए। तो घर में मैंने पहले जो हमारा विंडोज़ डोर्स का जो डस्ट था वो मैंने क्लीन कर लिया, अभी मैं घर झाड़ू लगा दिया है। और घर जो पोछा उसके लिए एक है, वो आएगा पोछा लगा देगा। तो मेरा अभी काम बाकी है, वो है बेसिन
को सफ़ा करना, टेबल को सफ़ा करना, और मैं बहुत सारा कपड़ा धूपा में डाल दिया छत में, उसको भी उठाना है अभी, क्योंकि एक घंटा हो चुका है। वो बहुत अच्छा अच्छा कपड़ा है, अलमारी से निकाल के धूपा में दे दिया। ये हर साल हम लोग करते हैं, जो तिजोरी में जो कपड़ा होता है ना, वो इस टाइम को धूपा में देना चाहिए, क्योंकि कपड़ा में कीड़ा पड़ता है, थोड़ा गदबू आ जाता है, तो इसीलिए इस टाइम को देना चाहिए। और बारिश का सीज़न में क्या होता है, थोड़ा फंगस भी हो जाता है, इसीलिए ये एक ट्रेडिशन रिवाज, कुछ भी आप लोग बोल सकते हैं। इसीलिए मैंने बहुत सारा कपड़ा आज धूपा में दिया, तो उसी कपड़ा को मैं घर में उठा लूँगी, उसके बाद मैं नहाने जाऊँगी। तो आज का काम करते करते मेरा बहुत ही लेट हो जाएगा, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा है। और बेटा को मैंने सुबह सुबह खिला पिला के स्कूल भेज दिया, उसका आने में अभी भी बहुत टाइम बाकी है, तो वो आते आते मेरा घर का सारा काम कंप्लीट हो जाएगा, नहाना पूजा ये सब आई थिंक मैं कंप्लीट कर लूँगी। लेकिन आज रेस्ट लेने का टाइम नहीं मिलेगा, कोई बात नहीं है, हर रोज़ हम लोगों को एक जैसा नहीं करते हैं। तो गाइस, वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ये ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू माय डियर फ्रेंड्स, लव यू। सभी फ्रेंड अच्छे रहे, ठीक रहे और खुश रहे।